टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जल्दी से इंटरव्यू की तरफ, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा हमारे बैकअप चैनल का लिंक, तो जाके चेकआउट कर लें। अब जल्दी साथ इंट्रो में, मेरा नाम वजाहत है और मैं हूँ बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी मस्त होने लगी है। काफी लोगों ने इस वीडियो का यार हमें बोला था, लगभग काफी सारे लोगों ने बोला। तो वीडियो का टाइटल है हम सिर्फ 21 थे और वो 10,000, बैटल ऑफ सारी घड़ी हिस्ट्री इन हिंदी। मतलब 21 जो वो स्टोरी है यार, वो जो मूवी नहीं है सिखों की वो जो बैटल ऑफ सारी घड़ी, वो तेरी मिट्टी वाली यार मूवी का क्या नाम है? पता नहीं यार, ये आप लोग कमेंट में बता। केसरी, हाँ केसरी, केसरी मूवी की यार मतलब ये हिस्ट्री है तो वो है, तो जल्दी से देखते हैं यार। लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। काफी लोगों ने क्योंकि इसका बोला था हमें इस पे रिएक्ट किया जाए, तो काउंट डाउन हम करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिंदी काउंट डाउन। भारत सदा से ही महान रहा, जिसके पीछे इसका समृद्ध इतिहास रहा है। इसके इतिहास के पीछे अनेक कथा कथानक के साथ साथ आंदोलन और संघर्ष की कहानी सुनने को मिलती है। समय समय पर हमारे देश ने कई युद्ध और लड़ाइयां देखी। देश में ऐसे ऐसे वीर जवान हुए हैं जिन्होंने दुश्मन के सामने संख्या में कम होने के बावजूद भी कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। बड़े दुख की बात है कि हमारे इतिहास में मुगलों के आक्रमण और अत्याचारों की कहानी तो खूब पढ़ाई जाती है, लेकिन इस युद्ध की अद्भुत बहादुरी की गाथा को कोई स्थान नहीं दिया गया। आज हम आपको ऐसी ही वीर गाथा के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो कि आपको गर्व से खुद जानना चाहता हूं। इस युद्ध के बारे में जानकर आप भी गुरु गोविंद सिंह द्वारा कहे गए शब्द दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे। 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं अच्छा जो इससे मारा था वो दबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज हम आपको जिस वीर गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सारागढ़ी का युद्ध या बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल का लिंक है हिंदी काउंटडाउन, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आगे आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। सारागढ़ी का युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, जहां पर केवल 21 सोल्जर, केवल 21 सिख सरदारों ने 10,000 अफगानों को घुटनों पर ला दिया। अच्छा, अफगानों से थी। सारागढ़ी किले पर बनी आर्मी पोस्ट पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वीं सिख बटालियन के 21 सिख सिपाही तैनात थे। 21 अफगानों को लगा कि इस छोटी सी पोस्ट को जीतना काफी आसान होगा। आसान क्या, वो तो हलवा टाइप जो फील होता है ना वो साबित हुई। उन्हें नहीं पता था कि जाबाज सिख किस मिट्टी के बने हुए हैं। उन बहादुरों ने भागने की बजाय अपने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। जब गोलियां खत्म हो गई तो तलवारों से युद्ध हुआ। ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि उसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। हाँ, सही में। यह इतिहास का ऐसा महानतम युद्ध है जब योद्धा आमने सामने की लड़ाई में आखिरी सांस तक अद्भुत वीरता से लड़े। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा युद्ध, सिर्फ थर्मोपाइलों के युद्ध को ही माना जाता है, फेमस स्पार्टन 300 में देखा होगा, जब 300 स्पार्टन 1 से 1.5 लाख फारसी सैनिकों से अंत तक लड़ते हैं। वो स्पार्टन से लड़े थे। साल 1897, अंग्रेजों का दबदबा पूरी तरह बढ़ता ही जा रहा था। पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहती थी। वो जो पाकिस्तान का नजर हुए अफगानिस्तान पर हमले करने भी शुरू कर दिए। अफगानिस्तान सीमा पर ब्रिटिश सेना दो किले, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का साथ में कितना अच्छे लग रहे हैं। और औरंगजेब जनजाति के अफगान उस समय के गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किलों पर कब्जा करना चाहते थे। इन दोनों किलों का निर्माण रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया। अच्छा, इन दोनों किले के पास सारागढ़ी की एक ऐसी चौकी हुआ करती थी। ये चौकी संचार की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थी। सारागढ़ी नामक स्थान आजकल आधुनिक पाकिस्तान में है। इस चौकी ये वो किला मारे जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख सरदारों को सौंपी गई। जाना चाहिए जिसमें सारे सिपाही ना होकर कुछ तो केवल रसोइये तो कुछ सिग्नल मैन थे, जिन्हें लड़ाई का तजुर्बा तक नहीं था।
अंग्रेजों द्वारा लगातार अफगानों पर किए गए हमले से अफगानी बहुत नाराज थे और वो भारत पर हमला करके उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, दोनों किलों पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उन किलों तक जाने से पहले सारागढ़ी की चौकी पड़ती थी जिस पर हमारे 21 सिख भाई तैनात थे। यही अफगानियों की भूल साबित हुई। 12 सितंबर 1897 सुबह सुबह सिख रेजिमेंट की आंख घोड़ों की टाप सुनकर खुलती है। ईश्वर सिंह किले के ऊपर से देखते हैं कि लगभग 10,000 अफगान पश्तूनों की सेना सारागढ़ी पोस्ट उस टाइम हो जाता था ना बंदे बंदा से कितने बढ़ रही है। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। अफगानी इतनी बड़ी फौज ये सोच कर रहे थे कि उन्हें अंग्रेजों की बहुत बड़ी टुकड़ी से सामना करना होगा। इतनी बड़ी फौज देखकर गुरमुख सिंह पोस्ट की सुरक्षा के लिए लोखाट के किले पर कर्नल हॉथटन को एक तार करते हैं कि उन पर हमला होने वाला है, उन्हें मदद की आवश्यकता है और फौज भेजकर उनकी मदद की जाए। लेकिन कर्नल हॉथटन के अनुसार सारागढ़ी में तुरंत सहायता नहीं भेज सकते थे। अच्छा। ये जानकारी आने के बाद अब साफ हो गया था कि उनकी मदद को कोई नहीं आएगा, या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या भाग जाए। हाँ। क्योंकि 10,000 से सिर्फ 21 लोगों का लड़ना नामुमकिन है। बिल्कुल बेवकूफी के नामुमकिन है। इक्कीस सिखों का नेतृत्व कर रहे ईश्वर सिंह निर्णय लेते हैं कि वो मृत्यु पर्यंत इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर सिंह के साथ उनके सैनिकों ने भी यही प्रण ले लिया और अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए। इतनी बड़ी फौज के हिसाब से उनके पास ज्यादातर हथियार मौजूद नहीं थे। किधर होते हैं? अफगानी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। हर ओर सन्नाटा पसर गया। युद्ध के दौरान केवल घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो इतनी छोटी सी फौज देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि बहुत आसानी से इन किलों पर अब कब्जा कर लिया जाएगा, ये तो अब हमें देखते ही भाग जाएंगे या आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन अफगानियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जाबाज सिख किस मिट्टी के बने हैं। पहली गोली चलने के साथ ही सारागढ़ी का युद्ध चालू हो गया। दोनों ओर से गोलियों की आवाजें आने लग गई। पठान कहां से ढूंढ के लाए ऐसे में? अफगानी नेता पश्तो समझ गया कि ये जंग आसान नहीं। अबे वो नकली पीएट हो गया। युद्ध के दौरान कई बार अफगान सेना अधिनायक ने सैनिकों को समर्पण के लिए लुभाया, लेकिन कोई भी सैनिक इसके लिए तैयार नहीं था। अतः 10,000 अफगान लड़ाके चौकी पर हमला कर देते हैं और युद्ध शुरू होता है। सिख अफगानियों पर भारी पड़ने लगते हैं और अफगानी एक एक कर ढेर होना शुरू हो जाते हैं। बंदूकों से जंग नहीं जीतता देख अफगान किले के दरवाजे तोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन अचानक किले की एक दीवार ढह जाती है और अफगान किले में घुस जाते हैं। अचानक से गोलियों से चलने वाली लड़ाई चाकू और तलवार में बदल जाती है। सिख सैनिक थक चुके हैं, घायल हो चुके हैं, लेकिन लड़ते रहे। इतनी संख्या में थे कि धीरे धीरे सिखों पर भारी पड़ने लगे। अंत में सभी सिख वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वैसा काम कर गए जो आने वाली हर नस्ल उन्हें याद रखेगी। कोई शक नहीं, सारागढ़ी के इस युद्ध में 21 सिख ने अफगानों के 600 लोगों को मार दिया। 600? हालांकि इस लड़ाई में 36वीं रेजिमेंट के सभी 21 सिख वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन केवल 21 सिखों ने औरंगजेब जनजाति के अफगानों के पूरे एक दिन तक परेशान और उलझाया। अफगानी थक चुके थे, तय रणनीति से भटक गए। 13 सितंबर को मध्यरात्रि अतिरिक्त सेना किले की सुरक्षा के लिए पहुंच गई और मात्र 2 दिन के भीतर सारागढ़ी पर वापस भारतीय ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया। मतलब ब्रिटिश का हार गए। इसके बाद पश्तों ने स्वीकार किया कि 21 सिखों के साथ युद्ध में उनके 600 सैनिक मारे गए और कई सौ घायल हो गए। यही 21 लोग उनकी 10,000 की सेना की हार का मुख्य कारण बने। इस युद्ध के बाद 36वीं रेजिमेंट के 21 सिखों को मरणोपरांत ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया, जो कि आज परमवीर चक्र के बराबर है। मतलब 21 सिखों के बलिदान को शायद हम भारतीय भूल गए हों, लेकिन आज भी ब्रिटेन में 12 सितंबर को उन शहीदों के सम्मान में सारागढ़ी डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब भारत में इस दिन सिख रेजिमेंट इसे रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे घोषित किया गया। यार ये इंडिया में मनाया जाता है कि नहीं, ये बताना। सुना भी नहीं होगा, नहीं दुखद है ये।
फिल्मों और टीवी जगत में सारागढ़ युद्ध पर फिल्में और सीरियल बनाने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले अजय देवगन ने ये ट्वीट करके बताया कि वो एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम सन्स ऑफ सरदार है, जो कि बैटल ऑफ सारागढ़ी पर आधारित होगी। इसके अलावा टीवी की दुनिया के जाने माने कलाकार मोहित रैना इस पर आधारित शो इक्कीस सरफरोश सारागढ़ी सारागढ़ी डिस्कवरी जीप पर प्रदर्शित किया जा चुका है। इन दोनों के अलावा अक्षय कुमार केसरी में और रणदीप हुड्डा भी सारागढ़ी के युद्ध पर बन रही एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इंटरनेट की सब जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। जरूरत है हम भारतीय अपना इतिहास जानें, अपनी जड़ों से जुड़ें और खुद पर गर्व करना सीखें। यूनेस्को ने सारागढ़ी को दुनिया के 8 सबसे बेहतरीन और बहादुरी से भरी लड़ाइयों में शामिल किया है। मतलब हिंदी काउंटडाउन का उन बहादुर 21 सिख सैनिकों को दिल से सलाम। हाँ तो दोस्तों आपको वीडियो इधर वीडियो के साथ वीडियो और लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना, चेकआउट कर लेना आप इनके चैनल को। अब आते रिव्यू की तरफ। यार मतलब बहुत जबरदस्त, मैं तो खो गया था स्टोरी में सीरियसली ना। तो यार मतलब क्या सिंधा दिल्ली से लड़े थे यार, क्या बात है। अरे 600 बंदे 21 बंदे मारे मुबशर, ये एक बंदे ने कम से कम कितना यार तकरीबन 50-60 बंदा मारा है। तो यार मतलब बहुत ही अफगानियों के साथ हुआ था ये युद्ध, क्योंकि मतलब अफगान ब्रिटिश अफगानिस्तान को नहीं कर सके थे ना। वो तो आज मतलब, भी नहीं अमेरिका उसको कर सका। हाँ वो है बिल्कुल, ये वही ना, वो तो सीधी मतलब, बात है, जाहिर बात है वो भी मतलब। लेकिन सिख यकीन मान मतलब क्या लड़े यार, मतलब ये मेन रीजन थे। एक दिन में थक चुके थे तो फिर वापस फिर उन्होंने कर लिया, तो ये रीजन इनका बने ये थे कि इन्होंने रोकी रखा मतलब। और इतने में उनकी हेल्प आ गई थी यार, मतलब कुछ हो गया होगा ना मतलब। फुल देख यार मतलब कितना दिन, एक पूरा दिन रोकी रखा 21 लोगों ने 10,000 के लश्कर को, तो कुछ सोच बात नहीं है। तो यार मतलब बिल्कुल, अगर कोई मतलब होते तो यार मतलब वो कहते हैं हम भाग जाते हैं, यहीं से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, 21 हमला करते तो होते हैं। लेकिन मतलब वो क्या मतलब वो प्राउड था इनको मतलब अपने उस पे के भागेंगे अपनी धरती से कि भाई लड़ते लड़ते मरेंगे, तो मतलब ये उधर ही रहे हैं। तो यार मतलब सल्यूट है ऐसे बंदों को सीरियसली। और ये सिख और होते भी काफी यार ब्रेव है, ये कहते हैं कि सवा लाख के बराबर एक सिख है। तो सिख पठान अच्छा, उसके बाद गोरखा, ये जो कुछ है ये काफी यार ब्रेव होते हैं, बहुत सीधी बात बहुत है। राजपूत, हाँ राजपूत मतलब यार हर ब्रेव होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा मैंने ज्यादा सुना। मराठा उनका भी यार मतलब ज्यादा मैंने सिखों का, पठानों का और ये मराठाज है ना, इनका सबसे ज्यादा मैंने सुना। राजपूतों का भी है हाँ उनका, लेकिन मतलब जो मैंने अपना खुद ज्यादा सुना है ये। तो यार मतलब काफी है यार सीरियसली, मतलब काफी ये कहते हैं के बहुत ही ज्यादा होते हैं, गोरखास भी काफी होते हैं बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ही उनका तो मतलब यार मतलब काफी यार हमें स्टोरी लगी कि मतलब। और यार ये जो गोल्स है इनका होता है, इससे ये मतलब ये बाल पगड़ी भी लगाते हैं ना, बहुत और इससे भी फिर मारते हैं एंड ये मतलब। हाँ मूवी देखी है ना तूने? मैंने क्लिप्स देखे थे। अच्छा मैंने मूवी देख ली, मैंने लास्ट के क्लिप्स देखे थे यार। और सन ऑफ सरदार तो मुझे नहीं लगता इस पे बनी हुई है यार, क्योंकि वो अरे वो शायद कोई और मतलब मूवी बनाने लगे हों इस पे। नहीं नहीं उसका ये ट्वीट 2015 में आया था अजय का, और मतलब कि सन ऑफ सरदार में ना 2015 में आया। हाँ वो उधर मैंने डेट देख ली। सन ऑफ सरदार मूवी तो मतलब वैसी है ना, वो तो मतलब शुगडी सी मजाकिया सी फनी मूवी, एक्शन भी और सब कुछ भी। तो यार आप बताएं इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। हमें तो यार सीरियसली यार दिल से रिस्पेक्ट है, फुल मतलब घूस बम्स मिले हैं हमें बहुत ज्यादा। और जो भी जज कंट्री के लिए जो भी लड़ दो उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, सही बात है। तो यार उम्मीद करते हैं इस तरह की और भी कोई वीडियोस हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते।